क्वेश्चन फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली रिटेन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई कैरोनियस ऑप्शन फर्स्ट है मैंजीफेरा इंडिका कार्ल इलिन ऑप्शन सेकेंड है मैनजीफेरा इंडिका लिन ऑप्शन थर्ड है मेनजीफेरा इंडिका ऑप्शन फोर्थ है मेजीफेरा इंडिका इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड मेजी फेरा इंडिका लिन् Next question Next question Which of the following is against the rule of ICVN? Option first generic and specific names should be written starting with small letters. Option second handwritten scientific names should be underlined. Option third every species should have a generic name and a specific epithet. ऑप्शन फोर्थ है साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी अटेलाइज्ड इसका पूछा गया था अंगेंस्ट द रूल ऑफ सो दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्ट्रेस्टिंग करेक्टरिस्टिक्स जनरली इन अ पेयर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन टेक्सोनॉमिक की आर रिफर टू एज ऑप्शन फर्स्ट है अल्टरनेट ऑप्शन सेकंड है लीड ऑप्शन थर्ड है कपलेट ऑप्शन फोर्थ है डबलेट इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज कपलेट नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द आइटम्स गिवन इन अ कॉलम फर्स्ट विद दो इन कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड हरवेरियम इट इज अ फ्लैश हैविंग अ कलेक्शन ऑफ रिजर्व plants and animals key a list that enumerates methodically all the species found in an area with brief description adding identification museum a, is a place where dried and pressed plant specimens, specimens माउंटेड ऑन सीट्स आर कैप्ट, कैटलॉग्स आ बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ करेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट्स विद विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज थर्ड Next question uh, the level of uh, herbarium seed does not carry information on date of collection, name of collector, option C hai, local names, so option D a height of the plant. So this is the correct option. Next question is study the four statements A to D. Given below and select the two correct ones out of them. ए है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज वाज गिवन बाई अर्नेस्ट मेयर ऑप्शन बी है फोटो पीरियड डज नॉट एफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स सी है वायनॉमियल नॉर्मल क्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाई आर एच विटेकर डी है इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद ग्रोथ एंड टू द टू करेक्ट स्टेटमेंट्स आर सो ऑप्शन ए है बी एंड सी ऑप्शन बी है सी एंड डी ऑप्शन सी है ए एंड डी, ऑप्शन डी है ए एंड बी सो द करेक्ट आंसर इज सी ए एंड डी नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉम एंड क्लेचर इज गवर्न बाई सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नॉम क्लेचर ऑप्शन ए है When written by hand, the names are to be underlined. Option B hai, Biological names can be written in any language. Option C hai, The first word in a biological name represents the genus name and the second is a specific, specific epithet. Option D hai, The names are written in Latin and are italicized. italicized. इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉन्ट्रेरी रूल्स पूछा गया सो दिस इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलो इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन फर्स्ट है बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रिफरेंस ऑप्शन सेकेंड है ये म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑप्शन थर्ड है की इज अ टेक्सोनिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीमेंस ऑप्शन फोर्थ है हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसीमेंस इसका नॉट करेक्ट ऑप्शन पूछा गया था सो दिस इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप ऑप्शन फर्स्ट है प्लांटी ऑप्शन सेकेंड है फंजाई ऑप्शन थर्ड है एनिमलिया ऑप्शन फोर्थ है मोनेरा शु दिस इज द करेक्ट आंसर मोनेरा डी इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एंड एक्सक्लुसिव करेक्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स ऑप्शन फर्स्ट है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इनवामेंट एंड देयर मेमोरी ऑप्शन बी है इंक्रीज इन अ मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन न कर इन विट्रो। ऑप्शन डी है इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली So this is the correct option option D increase in mass from inside body